महंगे पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के बजाय सस्ते ग्रीन हाइड्रोजन को लोकप्रिय बनाने में मिलेगी मदद। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से उच्च शुद्धता वाली हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया विकसित की है। यह प्रक्रिया साधारण और कम लागत पर शुद्ध हाइड्रोजन हासिल में उपयोगी बताई गई है। इसका उपयोग हाइड्रोजन वाहन में ईंधन के रूप में उपयोग हो सकेगा। इससे इन वाहनों को पेट्रोल डीजल के वाहनों का बेहतर विकल्प बनाने और प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर राकेश के शर्मा ने बताया कि पेटेंट कराई गई इस प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली सूर्य की रोशनी का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। इसके जरिए पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जैसी ही है। वे भी पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर कार्बन से प्रतिक्रिया करवा के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसीलिए संस्थान द्वारा विकसित प्रक्रिया को कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य इस प्रक्रिया से हाइड्रोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन है। इसे ऑटोमोबाइल, ऊर्जा और उद्योग आदि क्षेत्रों के लिए मुहैया कराया जा सकेगा। खासतौर से सीधे हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहनों में इसे उपयोग किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में रिसाइकिल किए जाने वाले कैटालिस्ट उपयोग होते हैं, इसलिए भी इसका खर्च कम है। वहीं सूर्य की रोशनी के अलावा किसी अन्य ऊर्जा स्रोत की जरूरत न होने से भी लागत कम होती है। सही कैटालिस्ट की तलाश के लिए वैज्ञानिकों ने 100 से ज्यादा कॉम्बिनेशन परखे। आईआईटी मद्रास के छात्रों ने अपने संस्थान की पहली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला कार RF23 बनाई। इसे सोमवार को लॉन्च किया गया। संस्थान की 45 विद्यार्थियों की रफ्तार ग्रुप ने एक वर्ष इसके डिजाइन, निर्माण और गहन परीक्षण पर काम किया। विद्यार्थियों ने दावा किया है कि कम्बशन मॉडल के मुकाबले यह तेज भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होने से इसे ज्यादा शक्ति देना संभव हुआ है। अब वे RF23 के जरिए भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। इस फॉर्मूला स्टूडेंट प्रतियोगिता में उतरना चाहेंगे, जहां विश्व के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों से प्रतियोगिता होती है। संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर वी कामकोटी ने बताया कि इस समय वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का विकास शुरुआती चरण में है, लेकिन इसमें तकनीकी आधुनिकीकरण की असीम संभावनाएं हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें और इसी प्रकार की ट्रेंडिंग न्यूज जानते रहने के लिए ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।